ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। मेरे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी वो रिक्वायरमेंट थी। तो मुझे भी लगा कि नहीं, एक जेन्यून कंटेंट है, इसके ऊपर तो वीडियो बनानी चाहिए। तो इनकी तरह अगर आपकी भी कुछ क्वेरीज़ हैं या फिर अगर चाहते हैं किसी खास टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि इससे होता क्या है कि मुझे आपकी रिक्वायरमेंट की पता चलती है कि आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, या फिर आपकी क्या नीड है, डे टू डे लाइफ में आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ मुझे आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स से यही बात बोलना चाहती हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए, मैं हर यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोल सकती हूँ बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। देखिए, आप खुद समझदार हैं और आप चैनल से जुड़े आप कैसे रह सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स रहें, जितने भी सब्सक्राइबर रहें, वो क्या करें कि मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, लेकिन एक ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर चाहिए जिनको मेरे वीडियोस की नीड है, वो रेगुलरली मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें। कि मैं अपने चैनल को एक तरह से एक इंटरैक्टिव चैनल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ ना एक श्रोता होना चाहिए, ना एक वक्ता होना चाहिए। आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो व्यूज़ है, वो आप मुझे कमेंट में लिखिए। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान फ्री है अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपको भी एक जरिया मिलेगा मेरे चैनल पे कि आप अपने व्यूज़, आपके एक्सप्रेशंस मुझे आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। और अगर आपको जेन्युइनली अगर ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस आपके काम की हैं, तभी आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा। और आपको पता है कि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और नोटिफिकेशन बेल दबाना है, ताकि मैं कोई भी वीडियोस डालूँगी तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। वो मेरे वीडियोस को कंप्लीट देखें, शुरू से लेके लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं चीज़ें मेरे प्लान्ड नहीं रहती हैं कि मुझे इस टॉपिक पे क्या क्या बोलना है, इस मिनट पे क्या बोलना है, मैंने कुछ नहीं सोचा होता है। इसलिए अगर आप वीडियोस स्किप करिएगा तो होता क्या है कि जो ज़रूरी कंटेंट है वो कहीं मिस ना हो जाए। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। आज की वीडियो में बात करेंगे फिमोसिस होता क्या है। तो फिमोसिस एक तरह का टर्म है जिस समय बेबी बॉय रहता है, जो भी इन्फेंट है, टोडलर में प्रॉब्लम होती है, उनकी जो पेनिस का जो अपर पार्ट होता है वो प्रॉपरली खुल नहीं पाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी गंदगी भी जमा हो जाती है और यूरिनेट करने में भी प्रॉब्लम आती है। और ये काफ़ी स्कैरिंग होता है, अगर उनकी स्किन पीछे नहीं जाती है तो ये काफ़ी पेनफुल होता है उनके लिए, काफ़ी स्कैरिंग होता है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, ये प्रॉब्लम सीवियर होती जाती है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, उसके कुछ दिन के बाद से ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। इससे आपके बच्चे की फोर स्किन काफ़ी फ्री रहेगी, खुली हुई रहेगी, जिससे कि आगे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप बच्चे की मालिश कर रहे होते हैं, तो आपने कभी भी बड़े लोगों से आपने ये सुना होगा कि आपको उसके बच्चे के प्राइवेट पार्ट के अपर पार्ट में थोड़ा सा ऑयल डालना होता है या फिर फूंकना होता है। ये लोग क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? जी हाँ, इसके पीछे का रीज़न होता है सिर्फ फिमोसिस। भी आप बच्चे की मालिश कर रहे हों, उस समय आपको आपके बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट के ऊपर वाले हिस्से में एकदम हल्का सा ऑयल डालना है। और आपको किस तरह का ऑयल डालना है? सिंपल, एकदम जो मस्टर्ड ऑयल आती है प्योर, या फिर कोकोनट ऑयल आती है, आपको वो डालना है। ना कि किसी तरह की फ्रेग्रेंस वाली आप ऑयल मत यूज़ करिए, बहुत सारे ब्रांड्स की ऑयल अभी यूज़ मत करिए। देखिए, प्राइवेट पार्ट्स में अगर आप इंटरनली देखिए, ऐसे भी डॉक्टर्स मना करते हैं आपको किसी तरह की एक्सटर्नल चीज़ें उसमें डालने, लेकिन एज अ लुब्रिकेशन आपको थोड़ा सा एक ड्रॉप अगर डाल भी देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इनफैक्ट आपको लाल तेल वगैरह भी ज़्यादा इस्तेमाल उसके अंदर नहीं डालना है, आपको सिंपल 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 मस्टर्ड ऑयल डालना है। और इससे आप हल्की हल्की अपने उंगली के सहारे से थोड़ा थोड़ा उसकी स्किन को पीछे करना है, हल्का हल्का। अगर नहीं हो रहा है तो एक दिन में ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करिए। कुछ दिन लग भी जाएंगे तो नो वरी, धीरे धीरे आप उसे नीचे करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये खुल जाएगा। और दूसरा भी एक मेथड है कि जब आप बच्चे को नहला रहे रहते हैं, नहलाने के समय आपको बच्चे की जो प्राइवेट पार्ट रहती है उसमें धार बनाते हुए, ल्यूक वॉर्म वाटर यूज़ करिए, धार बनाते हुए आपको उसके जो
उसका अपर पार्ट होता है उसमें थोड़ा पानी डालने की कोशिश करिए और उसको फिर से धीरे धीरे सरकाने की कोशिश करिए। और आप फूंक भी मार सकते हैं थोड़ी सी, इससे होता क्या है कि ये खुल जाएगा और इसके अंदर की गंदगी भी जमा नहीं होगी। गंदगी जमा नहीं होगी, साफ़ सफाई रहेगी, बच्चा काफ़ी आराम से यूरिनेट कर लेगा। और इनफैक्ट बेबी बॉय क्या बेबी गर्ल के भी प्राइवेट पार्ट्स की सफाई होनी चाहिए, जैसे कि आँख की सफाई, नाक की सफाई, मुँह की सफाई होनी चाहिए, उसी तरह से बेबी के सारे पार्ट्स की सफाई होनी चाहिए। प्राइवेट पार्ट्स स्पेशली केयरफुली साफ़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो बीमारियाँ भी बहुत कम आएंगी। तो मैं अपनी बात बता दूं कि मुझे नहीं पता थी ये बातें, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स मना करते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन अदर देन मी अगर कोई बाकी लोग अगर कर रहे हैं मालिश मेरे बच्चे की, तो मैंने देखा है कि वो लोग ड्रॉप डालते हैं और करते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करती थी। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो मैंने भी, मुझे भी ये वीडियो बनाते हुए लगा कि नहीं, मुझे भी अपने बच्चे के लिए ये करना चाहिए, तो मैं डेफ़िनेटली आगे से ये करूँगी। हल्का सा डॉट ड्रॉप डालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अदर फ्रेग्रेंट वाली चीज़ें नहीं डालिए। और जब आप बात भी दे रहे हैं उस समय भी आप देखिए एक माइल्ड और जेंटल शैम्पू का यूज़ करिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है, और केमिकल के वजह से काफ़ी और प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए बहुत जेंटल और माइल्ड उनकी बॉडी वॉश आती है या फिर सोप आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से वाइप कर रहे हों, उस समय आप अच्छी बॉडी लोशन लगाइए, और आपको उसके एरिया में उस समय बॉडी लोशन मत लगाइए उस पार्ट में। इनफैक्ट आपको नॉर्मल जो मैंने मस्टर्ड ऑयल या फिर एक डॉट जो आप लोग को बताया कि कोकोनट ऑयल, वो आप यूज़ करिए। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। छोड़ो मैं ये सब क्या बोल रही हूँ आपको, आपको तो पहले ही बता दिया मैंने कि आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। अब जुड़े कैसे रहना है आप खुद ही समझ लीजिए। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।